हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेटा फाइल होता क्या है। सबसे पहले आप समझोगे फाइल को, तो फाइल क्या है, एक कंटेनर होता है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, उसको हम लोग फाइल कहते हैं। तो डेटा फाइल भी उसी को कहें, मतलब जो फाइल में डेटा स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड डेटा फाइल, उसी को हम लोग कहेंगे डेटा फाइल। तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि डेटा फाइल्स आर द फाइल्स, मतलब डेटा फाइल्स जो है फाइल होता है जो स्टोर करता है डेटा। क्या स्टोर करता है? डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली। परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो क्यों हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं? फ्यूचर यूज के लिए, कि कभी भी आपको भविष्य में कुछ डेटा का यूज करना हो तो हम लोग इसका काम यूज कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल हम लोग क्या देखें कि डेटा फाइल्स जो है वो एक फाइल होता है, ठीक है, जो डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली फॉर द फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, और डेटा फाइल जो है वो स्टोर करने का दो तरीका है हम लोगों के पास। कितना तरीका है? दो तरीका है, टू वेज। फर्स्ट टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल जो है ये फाइल जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ASCII कैरेक्टर में। ASCII कैरेक्टर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है फोर कोड, जैसे ए लिखे तो ए का ASCII कोड 65 होता है, जो नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस फॉर्म में टेक्स्ट फाइल जो है हम लोगों का डेटा स्टोर करता है। तो हम लोग इसमें सिंपल देखें कि टेक्स्ट फाइल जो है वो इंफॉर्मेशन के प्लेस पे आप डेटा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डेटा इन ASCII कैरेक्टर। किस कैरेक्टर में स्टोर करेगा? ASCII कैरेक्टर में। मतलब इसमें हम लोग ये समझे कि टेक्स्ट फाइल जो है वो डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ASCII कैरेक्टर। किस फॉर्म में स्टोर करता है? ASCII कैरेक्टर के फॉर्म में। समझ में आया? तो हम लोग इसमें सिंपल देखें कि टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ASCII कैरेक्टर। किस में स्टोर करेगा? ASCII कैरेक्टर में। उसके बाद टेक्स्ट फाइल में जो है, अगर आप टेक्स्ट फाइल बनाए हो तो उस फाइल को टर्मिनेट करना होता है, स्टॉप करना होता है। तो टर्मिनेट करने के लिए हम लोग EOL कैरेक्टर का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन, लिखते हैं। क्या होता है फुल फॉर्म? एंड ऑफ लाइन। वही लिखा हुआ है इन टेक्स्ट फाइल, ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का प्रत्येक लाइन टर्मिनेट किया जाता है स्पेशल कैरेक्टर के साथ, जो कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, EOL means end of line। तो इसमें हम लोगों को दो पॉइंट याद रखना है। पहला, कि हम लोग का जो टेक्स्ट फाइल है वो डेटा को स्टोर करता है ASCII कैरेक्टर में, और उसके प्रत्येक लाइन को टेक्स्ट फाइल में जो भी टेक्स्ट का लाइन होगा उसको टर्मिनेट किया जाएगा स्पेशल कैरेक्टर के साथ, जो कैरेक्टर का नाम क्या होगा, EOL means end of line, उसका फुल फॉर्म होता है। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि टेक्स्ट फाइल स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन ASCII कैरेक्टर। ठीक है, इन टेक्स्ट फाइल ईच ऑफ टेक्स्ट लाइन इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर इज नोन एज EOL कैरेक्टर, मींस फुल फॉर्म एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ये हम लोग लिखेंगे। आया समझ में? टेक्स्ट सिर्फ सिंपल याद रखना है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है ASCII कैरेक्टर में और इसके लाइन को टर्मिनेट किया जा रहा है EOL के द्वारा। ठीक है, अब आ जाओ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल जो है, जैसे आपका टेक्स्ट फाइल होता है उसी तरह से बाइनरी फाइल भी होता है। तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि ए बाइनरी फाइल इज जस्ट अ फाइल। ये भी एक क्या होता है, फाइल होता है जो डेटा को कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंटेन करता है, स्टोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। हेल्ड मतलब वो स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को किसमें, मेमोरी में। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हम लोग का मेमोरी जो स्टोर होता है, डेटा को स्टोर करता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो इसका तो नाम ही है बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल में 0 और 1 में उसका जो भी डेटा रहेगा, और वो डेटा को, जो डेटा 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा, वो डेटा डायरेक्टली मेमोरी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें सिंपल याद रखना है
फाइल जो आपका जो बाइनरी फाइल है वो अदर फाइल के जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो डेटा है वो डायरेक्टली स्टोर होता है किसमें, मेमोरी में, आया समझ में। और बाइनरी फाइल जो है वो ज्यादा फास्ट होता है किसकी अपेक्षा, टेक्स्ट फाइल की अपेक्षा। टेक्स्ट फाइल जो है आपका स्लो होता है और बाइनरी फाइल जो है ये क्या होता है, फास्ट होता है। वही लिखा हुआ है, बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड इरेजर फॉर आवर प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल। मतलब इरेज मतलब होता है मिटाना, वो जल्दी से मिटाएगा भी फाइल को, अगर कोई फाइल को डिलीट करना, मिटाना मींस डिलीट करना, तो बहुत ही जल्दी डिलीट करेगा। कोई फाइल को कोई डेटा स्टोर करना है वो बहुत ही फास्ट रहेगा किसके अपेक्षा, टेक्स्ट फाइल के अपेक्षा। समझ में आया, मतलब टेक्स्ट फाइल जो है वो ज्यादा, सॉरी बाइनरी फाइल जो है वो ज्यादा फास्ट होता है टेक्स्ट फाइल से। आगे समझ में, फाइल के बारे में अगर डेटा फाइल पूछेगा क्या लिखेंगे कि डेटा फाइल, ठीक है, ये एक फाइल होता है जो डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली। इसका दो तरीका होता है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल डेटा को, ये टेक्स्ट फाइल डेटा को स्टोर करता है ASCII कैरेक्टर में और इसके लाइन को टर्मिनेट किया जाता है EOL कैरेक्टर के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है। और आपका जो बाइनरी फाइल है वो सेम होता है, लेकिन इसका डेटा डायरेक्टली मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। समझ में आया, और ये ज्यादा फास्ट होता है देन टेक्स्ट फाइल। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कि एक फाइल को अगर ओपन और क्लोज करना है तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लो आप एक फाइल बनाए हो प्रोग्रामिंग यूज करके, तो कोई फाइल को आपको ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग ओपन फंक्शन का यूज करेंगे, और फाइल को अगर क्लोज करना है तो हम लोग क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। कोई फाइल को जैसे आप नॉर्मल C++ में फाइल जो बनाओगे प्रोग्रामिंग यूज करके C++, है ना, तो हम लोग का जो नॉर्मल फाइल होता है उस पर डबल क्लिक करके वो फाइल ओपन हो जाता है, लेकिन C++ के फाइल को हम लोग उस तरह से ओपन नहीं कर सकते। तो आपको कोडिंग करना होगा, और कोडिंग करने के लिए आप कोई भी फाइल को ओपन करना चाहोगे तो उसके लिए हम लोग ओपन फंक्शन का यूज करेंगे, और अगर क्लोज करना है उस फाइल को तो हम लोग क्लोज फंक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आया समझ में। अगर आप कोई भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन फंक्शन यूज करेंगे, और क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। समझ में आया, इससे ज्यादा थ्योरी आता है प्रोग्राम नहीं आता है, क्योंकि ये एडवांस लेवल है, सिर्फ आप लोग को 12th क्लास में इंट्रो पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आप स्टेप्स क्या क्या प्रोसेस करोगे, ठीक है। लिखा हुआ है स्टेप्स टू प्रोसेस अ फाइल इन योर प्रोग्राम, मतलब फाइल के लिए क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं। तो फाइव स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, फाइव। द फाइव स्टेप्स टू यूज फाइल्स इन आवर C++ प्रोग्राम, इसका कितने फाइव स्टेप्स होते हैं, फाइव। पहला स्टेप, आपको डिटरमाइन करना होगा कि आप फाइल का कौन सा टाइप में रखना चाहते हैं, वो टेक्स्ट फाइल होगा या फिर बाइनरी फाइल होगा। वही लिखा हुआ, डिटरमाइन द टाइप ऑफ लिंक रिक्वायर्ड, मतलब उसमें किस टाइप का लिंक आपको जरूरत है वो आपको डिटरमाइन करना होगा। सेकंड, डिक्लेयर अ स्ट्रिंग फॉर द डिजायर्ड टाइप ऑफ लिंक, मतलब आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप किस टाइप के स्ट्रिंग को चाहते हैं, डिजायर्ड मतलब जो आपका चाहिए वो स्ट्रिंग। समझ में आया। नेक्स्ट है, अटैच द डिजायर्ड फाइल टू द स्ट्रिंग, जो जिस टाइप का फाइल चाहते हो, जो आपका डिजायर्ड फाइल है उसको आपको क्या करना होगा, अटैच करना होगा, जोड़ना होगा, कनेक्ट करना होगा किसके साथ, अ स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड, नॉट प्रोसेस एज रिक्वायर्ड, उसके बाद उस फाइल में आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। देन जब हो जाएगा सारा काम तो उस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है, क्लोज द फाइल लिंक विद स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के साथ उस फाइल लिंक को आपको क्लोज करना होगा। क्या क्या स्टेप सीखे, पांच। पहला, डिटरमाइन करना होगा किस टाइप का फाइल आपको चाहिए। सेकंड, डिक्लेयर करना होगा डिजायर्ड फाइल। समझ में आया। थर्ड, उस डिजायर्ड फाइल को कनेक्ट करना होगा स्ट्रिंग के साथ, उसके बाद आप फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं। फिर फाइल को आपको क्या करना होगा, जब सारा काम हो जाएगा तो क्लोज कर देंगे। आया स्टूडेंट समझ में। ये सब हम लोगों का टॉपिक था जो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, प्रोग्राम आता नहीं है, और आप लोग को सिर्फ इंट्रो पढ़ना है इस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।